मगर नक्षत्र दसवां नक्षत्र जिसके चारों चरण सिंह राशि में आते हैं, क्रूर अधोमुखी व मध्य लोचनी नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी केतु, राशि स्वामी सूर्य देवता पितृ है। इसे गंड मूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है। इसका स्वामी सूर्य है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले के भीतर स्वाभिमान की भावना और कर्मठता काफी प्रबल होती है। इसमें इसके भीतर ईश्वरीय आस्था की अत्यधिक पाई जाती है। धनवान, पत्नी से प्यार करने वाला, खुशहाल, माता पिता की सेवा करने वाला, चतुर, व्यवहार कुशल, व्यापार में लाभ कमाने वाला, योजनाकार, अस्थिर चित्त वृत्ति वाला किंतु अत्यंत साहसी होता है, स्वास्थ्य निर्बल होता है, चमड़ी किंतु परिश्रमी होता है, अपने अहम पूर्ति के लिए कुछ भी करने वाला, किसी भी बात की जड़ तक पहुंचने की क्षमता रखने वाला होता है। पुरुष के लिए अच्छा क्योंकि इसमें साहस, अहंकार, स्वावलंबी वृत्ति, निर्भयता, अधिक लालसा होती है। यह नक्षत्र सक्सेस गणी होते हुए भी शादी के लिए अच्छा माना जाता है। शिव विद्या, शस्त्र विद्या, शहद निकलने के लिए अच्छा है। पहले जब जंगल से शहद निकाले जाते थे तो इस नक्षत्र को देखा जाता था। शस्त्र क्रिया भी हम इस नक्षत्र में कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया पहले, आप ऑपरेशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो इस नक्षत्र में आप करवा सकते हो। अगला नक्षत्र है हमारा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, 11वां नक्षत्र। चारों चरण सिंह राशि में आते हैं। यह नक्षत्र अधोमुख क्रूर मनुष्य गणी सुलोचनी है। नक्षत्र देवता मृग, नक्षत्र स्वामी शुक्र, स्वामी राशि स्वामी सूर्य है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग कला कला के प्रति विशेष समझ होती है उन्हें। नैतिकता और ईमानदारी इनका विशेष गुण है। ये लोग काफी नैतिक और ईमानदार होते हैं। ये शांति प्रिय होते हैं। ये धनी भी होते हैं जिसके चलते अहंकार की भावना इनमें पनपने लगती है, क्योंकि जहाँ सूर्य है वहां अहंकार आ जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला शत्रु विजयी होता है। शत्रु से हमेशा उसमें विजय पाते हैं। वो होशियार होता है, हर काम में निपुण रहेगा। वो मृदुभाषी, दिल खुश, बड़े लोगों से संबंध रखने वाला, किसी सरकारी काम से संबंध रखने वाला एवं राजकीय सम्मान पाने वाला होता है। सफर का शौकीन वो दानी होता है। इन्हें यात्रा करनी पसंद होती है और दान देना भी इन्हें काफी पसंद होता है। वस्त्राभूषण, वाहन, धनवान, संतान युक्त, नृत्य संगीत प्रेमी होता है। हंसी मजाक व चापलूसी करने में माहिर होता है। अधिक मित्रवान होता है तथा सुंदर सुगठित शरीर वाला होता है। उसकी देह रचना है वो सुंदर होती है। उग्र स्वभाव वाला होता है। नेतृत्व प्रधान होता है। जीवन जीने वाला, पश्चिमी खेल एवं कला में पारंगत बनाने वाला नक्षत्र है ये। यह नक्षत्र विद्यारंभ, विद्या का आरंभ, यानी कोई भी विद्या का आप आरंभ करना है तो इस नक्षत्र से आप कर सकते हो। अग्निकर्म, विष शास्त्र प्रयोग के लिए यह अच्छा है। कोई भी नई चीज आपको सीखनी है तो इस नक्षत्र से आप शुरुआत कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा फायदा होगा। अगला नक्षत्र है हमारा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो 12वां नक्षत्र है, जिसका प्रथम चरण सिंह राशि एवं अगले दो चरण कन्या राशि में आते हैं। यह नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी, स्थिर, मिश्र मनुष्य गणी अवलोचनी है। नक्षत्र स्वामी सूर्य, राशि स्वामी सूर्य, बुध और देवता सूर्य है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले काफी समझदार और बुद्धिमान होते हैं। ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। धनी, धन इकट्ठा करने वाला, दिलासी, पहलवानी का शौक करने वाला तथा कुशाग्र बुद्धि वाला एवं मृदुभाषी, सत्य बोलने वाला, दूसरों का काम करने दिल से करने वाला होता है, दूसरों को मदद करने वाला होता है, अपने मेहनत के बल पर धनी बनने वाला, ये अपना काम करने में काफी समय लगा देते हैं। ये बहुत ही अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। ये नक्षत्र सभी कार्यों के लिए शुभ माना गया है। एक नक्षत्र में आप सभी कार्य कर सकते हैं।
अगला हमारा नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, जो 13वां नक्षत्र है, जिसके चारों चरण कन्या राशि में स्थित हैं। नक्षत्र स्वामी चंद्र देवता, सूर्य राशि स्वामी बुध है। यह नक्षत्र देवगनी, त्रियामुख, लघु, मंडलोचन, मंडलाचन है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग बौद्धिक रूप से समृद्ध, मददगार, लेकिन निर्णय कर पाने में अक्षम होते हैं। निर्णय शक्ति की इनमें कमी होती है। इन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा मिल जाती है और अधिकतर समय इनका जीवन आनंदमय ही रहता है। अपनी जाति बिरादरी में मुखिया बनना बन सकता है, ये अपनी जो जाति है, अपनी जो समाज है, उसमें वो मुखिया बन सकता है, भाग्यशाली, और ये उसी में सम्मानित भी हो सकते हैं। बुरे कार्य करना, डकैती डालना व हिंसा करना आदि, यह नक्षत्र लक्ष्मीदायक एवं देव नक्षत्र माना जाता है। आकर्षक मुख, ललाट, मनमोहक मुस्कान वाले व्यक्ति सभी इस कार्य के लिए यह नक्षत्र में अच्छा है। यानी ये नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग आकर्षक, मनमोहक मुस्कान वाले होते हैं। ये शुभ कार्य के लिए नक्षत्र ये अच्छा है। आगे का नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, जो 14वां नक्षत्र है, जिसके प्रथम दो चरण कन्या राशि में आते हैं एवं बाकी के दो तुला राशि में। नक्षत्र स्वामी मंगल है, राशि स्वामी बुध है और शुक्र देवता यष्टा है। यह नक्षत्र मध्यलोचन मित्रगण है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के स्वभाव में आपको मंगल ग्रह का प्रभाव दिखाई देगा। यह ग्रह किसी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति बुद्धिमान, साहसी, धनवान, दानी, सुशील, शरीर सुंदर व संतान का सुख पाने वाला होता है। धर्म में आस्था रखने वाले व आयुर्वेद की जानने वाला, भवन निर्माण में रुचि रखने वाला होता है। यानी उसे आयुर्वेद का ज्ञान भी होता है, भवन निर्माण का भी ज्ञान होता है। सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी, चित्रकला व अभिनय का जानकार, बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार करने वाला तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला, गायन, गणित व औषधियों तथा लेखन कला में धनोपार्जन करने वाला होता है। इन्हीं चीजों से ये पैसे कमाता है। ये विपरीत हालतों में बिल्कुल नहीं घबराते हैं। ये चाहे कितनी भी उनके सामने मुसीबत आ जाए, ये उनसे घबराते नहीं है, खुलकर मुसीबतों का ये सामना करते हैं। मेहनत और हिम्मत ही इसकी आदत है। मेहनत और हिम्मत ही इनकी ताकत है। इस नक्षत्र में नई नई कला यानी नई विद्या, खेती का काम शुरू किया जाता है। कोई भी काम की नई की शुरुआत आप इस नक्षत्र से कर सकते हो। अगला नक्षत्र हमारा है स्वाति नक्षत्र, जो 15वां नक्षत्र है, जिसका नक्षत्र स्वामी राहु, राशि स्वामी शुक्र, देवता वायु है। इसे मोती से जोड़कर देखा जाता है। इसमें लग्न लेने वालों का स्वभाव भी मोती के समान स्वच्छ होता है। माना जाता है कि इस नक्षत्र में जब पानी की बूंद सिर पर गिरती है तो वह मोती बन जाता है। तुला राशि में होने की वजह से इसके जातक सात्विक और तामसिक दोनों ही प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये राजनीतिक दावपेच बखूबी समझते हैं। समझदार, शीतल स्वभाव, मित्रवत, होशियार व व्यापार में निपुण होते हैं। कुशल व्यवसायी होते हैं। व्यापार में ये लोग अग्रसर होते हैं। बौद्धिक कार्यों का द्वारा मनचाहा लाभ अर्जित व यश प्राप्त करते हैं। बौद्धिक कार्यों से ये लोग काफी धन अर्जित भी कर सकते हैं और धन यश भी प्राप्त करते हैं। शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ सकती है। आर्थिक दृष्टि के संपन्न व ऐश्वर्यशाली होता है। यानी शिक्षा इसमें पूर्ण नहीं होती है, अधूरी रह जाती है। जो पदवी जो है, पद है, वो छोड़ना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न व ऐश्वर्यशाली होगा। अपने समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त करेगा। जिस समाज से वो रिलेटेड है उसमें उनका मान सम्मान होगा। इंजीनियर व टेक्निकल कार्य करेगा। परोपकारी व साधु संतों की सेवा करने वाला होगा। इस नक्षत्र में अमीर लोग और कलाकार आते हैं।
आप ज्यादातर कलाकार के पत्री में देखोगे तो उसका जन्म जो होगा इसी नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्र में सभी शुभ काम कर सकते हैं, सभी सत्वगुणी परोपकारी और उदार व्यक्ति। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले सत्वगुणी परोपकारी और उदार व्यक्तित्व वाले होते हैं। अगला नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, जो 16वां नक्षत्र है। इसके प्रथम 3 चरण जो है वो तुला राशि में आते हैं और चौथा चरण जो है वो वृश्चिक राशि में आता है। ये नक्षत्र अधोमुख मिश्र अंधलोचनी है। नक्षत्र स्वामी गुरु, देवता इंद्रायणी, राशि स्वामी शुक्र मंगल है, शुक्र और मंगल है। विशाखा नक्षत्र को बृहस्पति ग्रह से अंतर्गत माना जाता है। इसमें जन्म लेने वाले लोग पठन पाठन में अच्छे साबित होते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई में अच्छे साबित होते हैं। ये कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, यानी तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, होशियार होते हैं। इनका सामाजिक दायरा इसी बात पर निर्भर करता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला सुंदर धनवान मगर खोटे कार्यों में रुचि रखने वाला, जुआरी, स्त्री से वशीभूत होने वाला, पाप पुण्य से दूर रहने वाला, मतलबी, अचानक धन प्राप्त करने वाला, शत्रु विजयी, ये लोग काफी महत्वाकांक्षी होते हैं। यह नक्षत्र गुप्त धन निकालने के लिए राज्य, ये जो नक्षत्र है गुप्त धन निकालना है उसके लिए इस नक्षत्र को देखा जाता है, और राज्य अभिषेक के लिए भी ये अच्छा है। हमारा अगला नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, जो 17वां नक्षत्र है, जिसके चारों चरण वृश्चिक राशि में आते हैं। नक्षत्र देवता मित्र नक्षत्र स्वामी शनि, राशि स्वामी मंगल है, मंदलोचनी और तीक्ष्ण है। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले अपने आदर्शों और सिद्धांतों को काफी तवज्जो देते हैं। ये आदर्शवादी होते हैं। गुस्से पर इनका नियंत्रण नहीं रहता है, जिससे चलते इन्हें कई बार भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये अपने दिमाग की वजह दिल से ज्यादा काम करते हैं, बिना सोचे समझे और कई बार कड़वा बोलने के कारण अक्सर ये लोग आलोचना का शिकार हो जाते हैं। शक्तिशाली व स्थूल शरीर वाला, धनवान, मान सम्मान पाने वाला, कला व काम धंधे में निपुण, अस्थिर मनोवृत्ति, साहसी, पराक्रमी, मिलनसार भी होते हैं, यशस्वी, स्वावलंबी, रोबिला, रोब जाड़ने वाले, धनी, धार्मिक, अध्ययनशील, एकांत प्रिय, दानी, सहिष्णु ये लोग होते हैं। यह नक्षत्र सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए अच्छा है। इस नक्षत्र में आप सभी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हो। अगला नक्षत्र हमारा है ज्येष्ठा नक्षत्र, जो 18वां नक्षत्र है, जो मध्यलोचनी, दारुण, राक्षस गणी है। नक्षत्र स्वामी बुध, राशि स्वामी मंगल, देवता इंद्र है। इसके चारों चरण वृश्चिक राशि में आते हैं। गंडमूल होने की वजह से इसे भी कम लाभदायक ही माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले चुनक मिजाजी होते हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार रहने वाले होते हैं। छोटी छोटी बातों पर ये लोग लड़ पड़ते हैं। चतुर, सभी कार्यों में होशियार, संतोषी, शीतल स्वभाव, कला शौकीन, क्रोधी, संपूर्ण विद्या प्राप्त, अपने कार्य में दक्ष, अच्छी संतान प्राप्त करने वाले, कवि, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, निरीक्षक, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि हो सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग ये हो सकते हैं। ये खुली मानसिकता वाले भी होते हैं। मुहूर्त शास्त्र में ये नक्षत्र सभी शुभ कार्यों के लिए वर्जित है, इसमें कोई शुभ कार्य किया नहीं जाता है।